सब्सक्राइब करें मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। एट क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 और ये जो प्रश्न है ये बहुभुज का अंतिम प्रश्न है। इसको बनाने के बाद जितने भी मैंने अभी तक के बहुभुज के प्रश्न बनाए हैं उन सब के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से सारे बहुभुज एक साथ इसी वीडियो के साथ भी देख सकते हैं। और ये जो आपका प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 8, ए बी रेखा पर सेट स्क्वायर द्वारा सम अष्टभुज बनाओ। अब ये सेट स्क्वायर द्वारा बनाना है, अभी तक आपने प्रकार से बनाए थे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी रेखा ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा ये क्योंकि ये सेट स्क्वायर वाला भी है और दूसरी बात ये कि ये अष्टभुज है, तो अष्टभुज हमेशा जो है वो बड़ी आकृति में होता है। तो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ए बी और इसको मैं बाहर को बढ़ा देता हूँ, ए बी रेखा को ये मैं इसको बाहर को बढ़ा देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने सेट स्क्वायर अभी रखने हैं, ये मैं रख लेता हूँ। और हमें इसके लिए प्रकार के साथ साथ सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारा सेट स्क्वायर है, इसमें ये कोण आपका 60 डिग्री का है, ये 30 का है और ये कोण जो हमारा वो 90 डिग्री का और आपका 60 150 और 30 आपका 180 डिग्री। और ये जो आपका सेट स्क्वायर है इसको मैंने पहले ही आपको बताया है, इसके जो एंगल होते हैं ये आपका 90 डिग्री का होता है, 45 का होता है, ये भी 45 का होता है, 45 नंबर 180। तो इन दोनों सेट्स के जो आंतरिक कोण है वो 180, क्योंकि त्रिभुज और त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है, चाहे किसी तरह की त्रिभुज हो। सबसे पहले हमें इसमें इस जो सेट स्क्वायर है इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो अष्टभुज है इसका एक कोण आंतरिक जो कोण होता है वो आपका 135 का होता है और बाह्य कोण आपका 45 डिग्री का होता है, और मैंने आपको बताया कि ये जो कोण है ये 45 डिग्री का है। तो अगर हम इस सेट स्क्वायर को, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, यदि हम इस सेट स्क्वायर को ऐसे रखते हैं यहाँ पे इस लाइन के साथ इधर हमने लगा दिया है, तो ये जो आपका कोण बनेगा ये आपका बनेगा 45 डिग्री का। उसको पूरा करते हैं लाइन को, ये देखिए यहाँ पे ये आपका सेंटर आ रहा है, यहाँ पे हम इसको सेंटर ले लेंगे, ये हम सेंटर नहीं लेंगे, ये ले लेते हैं, ये यहाँ हमारा इसके साथ अभी सही आ रहा है ये, और इधर को भी हम जो है वो इसी तरह से हम रख देंगे, ऐसे हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम जो है वो 45 डिग्री काट देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको भी बी के साथ नीचे मिला देते हैं, ये हमारा बी पे आ गया। अब हमने ए बी जितनी प्रकार खोलनी है ये, और इसको हम यहाँ काट देंगे, इसको हम यहाँ काट देंगे, और इनके जो नाम है वो हम दे देते हैं, इधर आपका है सी और यहाँ आपका आ गया एच, ये आपका आ गया। अब हमने क्या करना है, सी और एच को जो है वो आपस में मिला देते हैं डॉटेड लाइन से, ये आपने प्रकार से बनाया था, प्रश्न नंबर 7 था जो आपने प्रकार से बनाया था वो भी ऐसे ही बना था, और ये आप सेट स्क्वायर से बना रहे हैं तो आपका ये इसी तरह से, बस इसमें आपको कौन कुछ नहीं बनाना है। अब आपने यहाँ से इसके ऊपर 90 डिग्री कौन बनाने, तो आप छोटी सेट स्क्वायर भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, अगर आपकी ये भी रेखा लंबी है तो आप यहाँ पे इस तरह से आप एंगल ले सकते हैं, इससे एंगल माप सकते हैं, यदि आपकी ये भी रेखा छोटी है तो इससे भी आपका एंगल आप नाप सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से जैसे नाप रहा हूँ तो मैं छोटी ही सेट स्क्वायर लगा रहा हूँ, ये देखिए, और मैं यहाँ से 90 डिग्री का कोण ये मैंने लगा दिया है, और हम यहाँ से मैं 90 डिग्री का कोण लगा लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से इस लाइन के बिल्कुल इस लाइन के साथ आपने जो डॉटेड लाइन है आपने अपनी सेट स्क्वायर लगानी है, और ये मैंने जो है वो इसकी दो भुजाएं ले ली है, ये मेरी ए बी रेखा है, तो मैं इतनी ही यहाँ से काट दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी इतना ही काट दूंगा, ये देखिए, और इनके मैं नाम दे देता हूँ, इधर आपका आ गया सी के बाद आपका आता है डी और यहाँ आपका आ गया जी। अब हम इनको भी डॉटेड मिला देंगे,
डी और जी को भी हम रोटेट मिला देते हैं। बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल आपको नहीं आएगी। जबकि जो आपका प्रकार से अष्टभुज बनता है उससे जल्दी आपका सेट स्क्वायर द्वारा बन जाता है। ये देखिए, अब हमने फिर यहाँ से 45 डिग्री के कोण बनाना है। ये जो एंगल है ये 135 का है, बाह्य कोण 45 का है। यहाँ 135 का बाह्य कोण 45 का है, यहाँ बाह्य कोण 45 का है, आंतरिक कोण 135 का है। तो ये हमारी 2, 4, 5 भुजाएं आ चुकी है। अब 3 भुजाएं और हमारी आनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री का जो है कोण बना देंगे। यहाँ से हमने 45 डिग्री कोण बनाने हैं, तो इधर को जो है वो सेट से रखेंगे यहाँ से, देखिए, और यहाँ से मैं 45 का कोण बना देता हूँ, यहाँ से भी मैं 45 का कोण बना देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरी सेट स्क्वायर है, ये मैं रख दी है, इसको मैं सही मिला देता हूँ। अगर ये थोड़ी नीचे मुझे कोण लेना पड़ेगा, ये ऊपर आ गया है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। इसका एक्चुअल में क्या होता है, इसका जो नोक है वो सही नहीं होती है और फिर हमारा एंगल गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा सावधानी से आपने इसको लेना है। ये देखिए, अब सही आ रहा है, और यहाँ भी मैं इसको मिला देता हूँ, यहाँ मेरा सही आ रहा है। और मुझे क्या करना है, जितना आपका ए बी है ये इतनी प्रकार खोल के मैंने इस रेखा को काट देना है, फिर यहाँ से मैंने इस रेखा को काट देना है। ये मैंने यहाँ पे इसको काट दिया, अब मैं इन लाइन को डार्क कर देता हूँ, इस लाइन को भी डार्क कर देता हूँ। जितनी हमारी ए बी रेखा है उसके बराबर हमारी प्रकार है, और ये देखिए, ये जो आपका बचा हुआ ये बिल्कुल बराबर है, इसको भी मैं अब मिला देता हूँ यहाँ पे, ये। और ये आपका जो अष्टभुज है सेट स्क्वायर द्वारा, ये 8th क्लास का 8 जो नंबर है ये बन गया है, और यहाँ पे आप इसको स्क्रीन में भी देख रहे हैं।